एग्जाम के बारे में बताता हूँ। एग्जामिनर का भी हम लोग का बहुत फुल प्रूफ सिस्टम है, ऐसे कोई भी एग्जामिनर नहीं बन जाता है, उनके भी कोई एक्सपीरियंस होता है। इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं विथ सर्टन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं या टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके लिए भी अभी हमने न्यू एग्जामिनर को भी एग्जाम देना पड़ता है। जस्ट बिकॉज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ सालों से हो गया या कॉलेज के प्रोफेसर है, बट स्टिल दे हैव टू अपीयर फॉर वन ऑनलाइन एग्जामिनेशन। वो पास होने के बाद ही वो एग्जामिनर बनता है। अब आगे चलते हैं, एक बार तो एग्जामिनर सिस्टम हो गई आंसर पेपर पे, नाउ वी आर हैविंग द कोडिंग सिस्टम, देयर बाय नो पर्सन कैन आइडेंटिफाई कि दिस पेपर बिलोंग्स टू दिस, इवन टिल द डेट ऑफ द रिजल्ट ऑल्सो नो बडी नोज कि दिस पर्सन दिस पेपर इज बिलोंगिंग टू होम। एग्जामिनर को हम क्वालिटी चेक के लिए क्या करते हैं कि वो भले ही सिस्टम में कितने भी साल से हो, ईच एग्जाम वी आर सेंडिंग द फ्यू पेपर्स, पहला प्रिलिमिनरी सैंपल जिसको बोल सकते हैं कि 15-20 पेपर भेजा जाता है। 15-20 पेपर का एक सजेस्टेड आंसर के साथ में उन्होंने एक जो मॉडल चेकिंग किया है दैट कम्स बैक टू द एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। वहाँ पर हेड एग्जामिनर्स होते हैं जो इनके ऊपर में हेड एग्जामिनर्स और असिस्टेंट हेड एग्जामिनेशन, ये सारी की सारी टीम क्वालिटी चेक करती है जो 15 पेपर या 20 पेपर का होता है। बाद में वो पेपर चेक होके जब आते हैं हेड ऑफिस में, फिर आते फिर ये हेड एग्जामिनर और असिस्टेंट हेड एग्जामिनर की टीम जो होती है उसका फिर एक बार रिव्यू करते हैं हर एग्जामिनर वाइज। आई थिंक अबाउट 10% ऑफ द पेपर्स फिर से चेक होते हैं, जितने पेपर भेजे गए थे उसमें से 10% पेपर चेक होते हैं। सो वी ट्राई टू एंश्योर कि क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ चेकिंग इज फुल्ली एंश्योर्ड।